अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सुबह सुबह का टाइम है और अभी व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग होगा इंशाल्लाह तआला, अल्लाह ने चाहा तो इंटरेस्टिंग ही होगा। तो जो है कल तो हमने साग बनाया था, अभी पता नहीं आज क्या बनाएंगे, देखेंगे। तो जो है सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं, बाकी बातें बात। गुड मॉर्निंग, चाय बनने को रख दी है मैंने। अभी आटा गूंदूंगी और साग तो है वही गरम करके तड़का लगा के खा लेंगे। और थोड़ा सा चावल का आटा भी गूंदा हुआ रखा हुआ है, उसमें प्लेट में रख दिया था मैंने। थोड़ी साथ ही रोटी बनाऊंगी क्योंकि जवार नहीं खाता चावल की रोटी ठीक से, तो उसके लिए रोटी बनाऊंगी मैं। तो अभी चाय बन जाए, चाय पी लेंगे उसके बाद फिर करते हैं। आटा निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, आटा गूंथ लेती हूँ। थोड़ा आटा वो दूसरा भी रखा है, वो भी बनाऊंगी रोटी, ये भी बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ना रोटी बना रही हूँ चिलड़े। पराठा बना रहे हैं हम व्यूअर्स, ये अब्दुल जब्बार और अब्दुल रऊफ खाएंगे पराठा। एक पराठा, एक पराठा, एक इतने वाला खाएंगे ठीक है। रऊफ इतने वाला बहुत है क्या, क्या वदी ये पराठा तैयार हो गया है, अभी दूसरा बना रही हूँ। अच्छा गरम है, कितना हमला ठंडी थी उसे, क्या हो गया अंदर घुसे अड़ रहे हो क्या पराठा मोबाइल के अंदर। ये लो हो गया, बस हो गया व्यूअर्स, मेरा काम हो गया। नाश्ते के बाद सारे बर्तन भी धो लिए मैंने, सारा काम हो गया मेरा, सब कर दिया, समेट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये चाय बना रहे हैं। हेलो मियाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वाले हैं, ठीक हो खुश हो, उपाटिनी का डब्बा निकालना। अच्छा काम लेके बैठे हो तो मेरे लिए, हाँ चलो जी हम निकाल लेते हैं चीनी का डिब्बा। टेक्निक देखो, शीशा टूट चुका है ना इसका, और बताइए मियाँ जी। औरों के साथ, हम आपके साथ। क्या है, वीडियो बनाओ उसे घूम से, वीडियो बनाओ कुछ घूम से, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। आप ही ने तो पैदा करके छोड़ा, पैदा करके छोड़ दिया हमने तुमको। बस ना ढेर नहीं व्यूअर्स, मैंने प्याज काट लिए, वही साग का मसाला तैयार करूंगी अभी। ये मैंने ये रखा हुआ है, ये भी अभी काटूंगी। आज अब्दुल वहाब घर पे नहीं है तो वीडियो खुद को बनानी पड़ रही है मुझे। बशीर भाई आए हुए, जा रहे हो क्या भाई। अल्लाह हाफिज भाई, बाय बाय। कुछ बात नहीं करोगे आप, क्या तो बात करें, हमारे चैनल को कोई लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब करता है, फिर क्या करें।
मैंने भी नहीं बोलना है, मैंने भी मन वो कर दिया है, मैंने किसी को ना सब्सक्राइब के लिए बोलना है ना लाइक कमेंट कुछ नहीं बोलना है, सब अल्लाह साथ देगा। आप भी यही बोलो, अल्लाह साथ देगा हमारा। मेरा साग तैयार हो गया, बस चले भूनना ही था, सब कुछ तो तैयार था। अभी मैं आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी। वो जो काम करते जाएंगे वो आप सबसे शेयर करते जाएंगे। बस व्यूअर्स, रोटी बना रहे हैं हम और साग को तो कर चुके हैं, हम भून चुके हैं और अभी रोटी बना रहे हैं। रोटी खाएंगे इंशाल्लाह, रात को खाना खाएंगे, उसके बाद लोगों का देखा जाएगा। और बस ये रोटी डाल रही हूँ ना भाई, ये हो गई रोटी। और मेरी दुआ है व्यूअर्स कि आप सब खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमेशा हमें याद है, दुआ करते हैं आप सबके लिए, इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे लोग के। ठीक है, बस बस। ओके फ्रेंड्स, वीडियो का इख्तिताम करने का वक्त आ चुका है। अभी वीडियो का इख्तिताम करने से पहले, जाने से पहले कहती हुई जाऊंगी, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि नमाज और कुरान ये ऐसा रास्ता है जो हमें सीधा अल्लाह पाक से मिलाता है, तो हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए, ना नमाज पढ़नी छोड़नी चाहिए ना कुरान पाक। तो और दूसरा क्या कहना था कि दुआओं में आप हमें याद रखा करें, हम तो आपको याद रखते ही रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला आप सबका साथ दे और अपनी रहमत के साए के नीचे रखे आप सबको, और आपके छोटे बड़े बच्चे और सब, आप सब सब मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको नेक बनाए और आपकी औलादों को आप लोगों के लिए निजात का ज़रिया बनाए। और इसी तरह सेम मैं अपने लिए कहूँगी कि मेरी औलाद को भी नेक बनाए अल्लाह ताला और राह निजात का ज़रिया बनाए, और अल्लाह ताला आप सबको दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता करे और हमें भी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।